हमारा पहला सवाल, व्हाई इज बीजेपी इंटरेस्टेड इन ओनली वन ऑफिसर? ऐसी क्या दिलचस्पी है भाजपा को इस विशेष अफसर से कि उनकी सारी इंटरेस्ट या दिलचस्पी उस एक व्यक्ति में जाकर लीन हो जाता है? ये सवाल है हमारा बीजेपी से। हमारा दूसरा सवाल बीजेपी से कि क्या बीजेपी कोई और अफसर इस काम के लिए योग्य नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार किसी और अगमुट काडर के अफसर को, वरिष्ठ अफसर, सीनियर मोस्ट अफसर में से, इतनी लंबी सूची है सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स की, उसमें से एक भी शख्स को मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी का कार्यभार संभालने के योग्य नहीं समझती? सिर्फ एक ही विशेष अफसर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ये काम कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल, ऐसी क्या चीज है, हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ यही विशेष अफसर कर सकते हैं जिनको आपने एक्सटेंशन दे दिया और कोई नहीं कर सकता? व्हाट इज सो स्पेशल दैट ओनली वन ऑफिसर एंड वन ऑफिसर अलोन कैन डू इट एंड नो अदर ऑफिसर ऑफ द अगमुट कार्डर कैन डू इट? हमारा चौथा सवाल, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंस्ट्रूमेंट, जो आपातकालीन परिस्थितियों में एक्सटेंशन का एक जरिया अपनाया जाता है सरकारों द्वारा, उस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपातकालीन परिस्थितियों वाले औजार को इस संदर्भ में क्यों इस्तेमाल किया? ऐसी क्या आपातकालीन परिस्थितियां थी या ऐसा क्या लगाव, ऐसा क्या जुड़ाव भाजपा का इस विशेष अफसर से है कि उसे एक्सटेंशन दिया गया? हमारा पांचवा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि इतने सारे सीनियर मोस्ट अगमुट काडर के जो अफसर हैं, बड़ा ही वेल डेकोरेटेड काडर माना जाता है अगमुट काडर आईएएस अफसरों का, उसकी इतनी लंबी सूची है वरिष्ठ अफसरों की, क्या उसमें एक भी शख्स भाजपा की सरकार को काबिल नहीं लगा मुख्य सचिव के पद के लिए? क्या सिर्फ एक ही अफसर है, एक विशेष अफसर जिसे भाजपा एक्सटेंशन दे रही है, जो इस काम के काबिल है? हमारा छठा सवाल, भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि पिछले कुछ दिनों में इस विशेष अफसर से संबंधित कई मामले सामने आए, उनका नाम विवादों में घिरा रहा, उन पर आरोप लगे, विजिलेंस रिपोर्ट्स बनी, क्या इन सारी चीजों के मद्देनजर एक विशेष अफसर को एक्सटेंशन देना सही है? ये हम सवाल भाजपा से पूछना चाहते हैं कि क्यों भाजपा उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए इतना आतुर है, इतनी हेलबेंट है? ऐसा क्या विशेष इंटरेस्ट है भारतीय जनता पार्टी का इस अफसर के एक्सटेंशन से संबंधित? हमारा सातवां सवाल, ऐसी क्या सांठगांठ और अंडरस्टैंडिंग भाजपा की और इस विशेष अफसर की है, या इनके आपस में ऐसी क्या अंडरस्टैंडिंग या सांठगांठ है जिसके चलते भाजपा सरकार ने इस विशेष अफसर को एक्सटेंशन दिया? हमारा आठवां सवाल, इस विशेष एक्सटेंशन के पीछे भाजपा का क्या हिडन एजेंडा है? ऐसा कौन सा काम भाजपा करवाना चाहती है, ऐसा कौन सा एजेंडा है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को वो काम करना पड़ा जो सरकारों में आपातकालीन परिस्थितियों में होता है, कि एक अफसर को उसकी सेवा की तिथि आ जाने के बाद, सेवा की समाप्ति की तिथि आ जाने के बाद उसे फिर से एक्सटेंशन दिया गया? हमारा नौवां सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं लगता कि इतने सारे सीनियर अगमुट काडर के अधिकारियों को दरकिनार कर एक ही अफसर को उसकी सर्विस की तिथि समाप्त होने के उपरांत भी इस प्रकार से एक्सटेंशन देना उन बाकी सारे अफसरों के करियर से खिलवाड़ है? उन्हें कहीं ना कहीं उनकी अपनी कार्य प्रणाली में, उनके करियर में उन्हें पीछे कर देता है? और हमारा आखिरी सवाल, हमारा दसवां सवाल, क्या जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बनी, नगर निगम में उनकी दुकान बंद हो गई, तो क्या अब एक विशेष अफसर को अपॉइंट कर भारतीय जनता पार्टी सरकारों को कंट्रोल करना चाहती है? क्या अपनी राजनीतिक दुकान फिर से चलाना चाहती है? क्या वे दिल्ली सरकार और नगर निगम पर नियंत्रण पाना चाहती है? ये हम सारे सवाल आज मुख्य सचिव के एक्सटेंशन से संबंधित सीधे तौर पर बीजेपी से पूछना चाहते हैं, और चाहते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों को
इन सवालों का जवाब दे। ये सारे सवाल दिल्ली के लोगों के जहन में हैं। हम इस एक्सटेंशन पर अपनी आपत्ति तो दर्ज कराते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से ये 10 सीधे डायरेक्ट सवाल पूछकर उनसे समझना चाहते हैं कि ऐसी क्या विशेषता है जो एक विशेष अवसर को आप उनकी सेवा तिथि समाप्त होने के उपरांत भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देके उनसे लगातार काम करा रहे हैं। क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, क्या इसके पीछे भाजपा का हिडन एजेंडा है, ये भारतीय जनता पार्टी साफ करेगी।